क्या यह समय की आवश्यकता नहीं है कि हम भी ब्रांड इंडिया की ओर बल दें? कभी अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले भारत ने सत्ता परिवर्तन के साथ ही देखा ब्रांड इंडिया का सपना। हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं मित्रों। यानी मेक इन इंडिया ब्रांड को दुनिया में स्थापित करने का सपना। इसी सपने के साथ पीएम मोदी ने शुरू की मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा जैसी योजनाएं। सालों से दूसरों के लिए बाजार बने रहने वाले भारत ने पहली बार खुद के लिए भी बाजार की तलाश शुरू कर दी है और उसकी निगाह है अपने ही पड़ोसी देश चीन पर। वजह न केवल चीन की जनसंख्या है बल्कि वो ट्रेड वॉर भी है जो इन दिनों यूएस और चीन के बीच छिड़ा हुआ है। चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने खुद ये माना है कि भारत सरकार अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सेल को ग्लोबली बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं शंघाई इंस्टीट्यूट के साउथ एशिया स्टडीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर झाओ गानचेन ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के चलते चीन रिप्लेसमेंट मार्केट के तौर पर भारत का रुख कर सकता है। चीन के मार्केट में एंट्री करने की पुरजोर कोशिश में भारत सरकार लगी है। उसने 7 सालों से सफेद सरसों के आयात पर लगे बैन को हटाने की भी मांग की है। चीन अब सोयाबीन के आयात के लिए भी अमेरिका को छोड़ भारत की ओर देख रहा है। वहीं भारत की कोशिश तंबाकू और अंगूर जैसे प्रोडक्ट्स की एंट्री भी चीन के बाजार में करवाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तभी बन सकता है जब वो इसी तरह से अपने प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के बाजार में न केवल उतारे बल्कि उनके लिए अपनी पहचान भी बना ले, यानी ब्रांड इंडिया। इसीलिए वो हमेशा क्वालिटी और स्टैंडर्ड की बात भी करते हैं। फिलहाल तो उनकी नजर अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर पर है।